हेलो फ्रेंड, जय श्री महाकाल, राधे राधे। आप सब कैसे हो फ्रेंड? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, मैं ये वीडियो 2-3 दिन पहले का है, लेकिन अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और एक्चुअल सोची थी नहीं करूँगी, फिर मैं बनाई थी तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, एक औरत अपने घर का हमेशा भला ही चाहती है, कभी नहीं चाहती है कि उसका घर या परिवार में कोई परेशानी हो या संकट आए। और ये है दोस्तों, एक दिन मेरे ससुर जी का बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था, अचानक से बहुत ज़्यादा। मतलब कि शाम तक बिल्कुल ठीक थे, उन्होंने खाना मैं दी थी वो खाए हैं, पानी खुद से आकर लेकर पूरे घर में जैसे घूमते हैं और पानी लेकर गए हैं, बिल्कुल ठीक थे। 7 बजे शाम तक हम लोग देखे, वो बहुत ही ठीक ठाक थे, एकदम बैठे हुए थे बिल्कुल। और शायद उनको फीवर होगा ये हम लोगों को मतलब पता नहीं था, और उन्होंने बताया भी नहीं तो वो बताते थे। और अचानक से मैं देखी कि मतलब वो अजीब सा कर रहे हैं, उनका मतलब कि वो कुछ बोल नहीं रहे हैं और पैर हाथ भी काम नहीं हो कर रहा, बिल्कुल सेंसलेस टाइप का हो गए थे। तो मैं उनको देखी तो पूछी कि आप क्या हो गया, कुछ तबीयत खराब है कुछ ऐसे पूछी, वो कुछ नहीं बोले। फिर मैं उनको उठा रही, वो लेटे हुए तो उठा रही है, तो वो उठ नहीं रहे थे, मुझसे भी नहीं उठ रहे थे। फिर अपनी बेटी को मैं उठाई और देखी, हम लोग दोनों मिलकर उनको सहला रहे थे, बिल्कुल कुछ बोल नहीं रहे थे, बिल्कुल आवाज़ भी नहीं आ रहा था। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए, ये घर पे थे भी नहीं। मैं इनको कॉल की और फिर बुलाई तो ये आए घर। उसके बाद फिर उनको बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था, मैं जब उनको छुई तो बॉडी बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था। फिर इन्होंने ये बुलाया, मतलब ये भैया हैं तो ये इनके पास मतलब सब कुछ होता है, ये रहता है चेक करने के लिए। तो आए तो इन्होंने बीपी चेक किया, फीवर चेक किया, बीपी डाउन था, फीवर बहुत ज़्यादा हाई था। फिर उन्होंने इनको इंजेक्शन दिए, दवा दिए, और वो बिल्कुल एकदम सेंसलेस हो गए थे, ना कुछ बोल रहे थे ना कुछ। हम लोग तो बहुत ही डर गए थे। और हमारे घर के बड़े हैं, इन सब का हमारे घर में होना बहुत ही मायने रखता है, अगर इनको कुछ हो जाता है तो हम लोग सब लोग परेशान हो जाते हैं। फिर रात के करीब 1-1.5 घंटे बाद 11:30 तक इनको थोड़ा सा दवा का असर हुआ, थोड़ा ठीक हुए, बोलने लगे। हम लोग बैठाए तो बैठे भी, रात को बिस्किट खाए, दूध लिए, दवा पिए, मतलब दवा खाए तो ठीक है। ये सुबह का है तो ये ला कर दिए थे इनको नारियल पानी जो होता है पीने के लिए, तो वो पी रहे हैं ससुर जी। तो 2 दिन तक तो थोड़ा ठीक हो गए थे, थोड़ा सा मतलब उनको वीकनेस लग रहा था, दवा दे रहे थे हम लोग और हल्का खाना सोचे खिला रहे हैं उनको। लेकिन 2 दिन बाद ना अचानक से इनका फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब लगने लगा। हम लोग उस टाइम से इनको लगातार वॉच कर रहे थे कि इनका तबीयत कैसा रह रहा है, खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं। इनको मतलब तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगा, लूज मोशन जो बोलते हैं बुढ़ापे में तो ऐसे भी हो जाता है। और ये वीडियो करीब लगभग 30 के आसपास का, जैसे फर्स्ट टाइम रात को बुखार लगा था इनको उस दिन, 30 का नहाए खाए का वो एक था पहले, जिसने इनको पड़किया बनाना था, मैं तैयारी ही कर रही थी। लेकिन इनका तबीयत खराब हो गया तो आधा मैं छोड़ दी थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। लेकिन भगवान पे विश्वास रहता है, हमने कहा कि नहीं ये ठीक हो जाएंगे, मुझे दोनों देखना जरूरी है। तो मैं थोड़ा मोड़ा उस टाइम बनाई थी और 30 वाले दिन मिला जुला कर ठीक ठाक थे, खाना वाना खाए थे। और फिर ऐसे भी उस दिन जिस दिन बीमार पड़े थे उस दिन उनको बेड पे भी मतलब पूरा सारा वो हो गया था, बाथरूम वाथरूम हो गया था, तो इन्होंने सारा कपड़ा चेंज किया, सारा धोए थे दोनों टाइम, यहाँ तक उनको याद नहीं रहता कमरे में आकर दूसरे कमरे में बैठ कर और पॉटी कर चले गए थे। तो क्या बोले, हम लोग देखे भी नहीं थे। फिर इन्होंने सारा साफ किया, और मतलब बीमार हो जाते तो ऐसे थोड़ा सा आदमी थोड़ा सा बोल भी कुछ देता है कि नहीं आप ऐसे नहीं, पापा आप ऐसे कीजिए, लेकिन बीमार पड़ने के बाद बहुत ही अच्छा मतलब अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अंदर से अजीब सा लगता है। नहीं अभी शरीर पे इनका पड़ा है, बुढ़ापा है इनके, मतलब पापा हैं बड़े, हमारे घर के बड़े हैं, छत है मतलब हमारे लिए तो बड़े, हमारे घर के हमारे छत्र छाया हैं। तो इस तरह से इन्होंने साफ सुथरा किया था, और उस दिन के बाद ना इनका बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम हो रहा था। तो हम लोग देखे ना कि नहीं ये बहुत परेशान है, ढंग से खा भी नहीं रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि नहीं मैं डॉक्टर को दिखा दे रहा हूँ। तो 30 के बाद का है,
मतलब दूसरे दिन का है, तो ये ले गए इनको डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर के पास गए पापा, तो एक दिन तो ये चादर उधर बदल दिए थे, लेकिन जब वो गए तो मैं पूरे कमरे की अच्छे से सफाई की। और ऐसे भी बीमार पड़ो या कोई भी हो, बूढ़े हो बुजुर्ग हो, कमरा हमें साफ सुथरा करके रखना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम साफ सुथरा नहीं करेंगे तो दिगी से ऐसे भी बीमारी फैलती है। और साफ सुथरा रहता है ना तो अच्छा लगता है, जो पेशेंट है जो बीमार है उसे भी अच्छा लगता है, एक अच्छी फीलिंग आती है। और मेरे कमरे में ना कुछ कुछ सामान उनका रखा हुआ था, उनको पता नहीं चल रहा था, बाथरूम समझ के कहीं भी वो कर दे रहे थे। तो मैं इधर देखी कुछ रखा हुआ था, सारा हटाई पहले, सब झाड़ कर और साफ की, उसके बाद उनका बेड का चादर उधर सब हटाई, पूरा दूसरा चादर बिछाई, तकिया कवर सब, फिर पोछा लगाई घर में ताकि थोड़ा सा अच्छा फील हो और साफ सफाई रहता है, तभी मतलब आने में भी अच्छा लगता, वरना अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से मैं सारा कर ली। और ये है ना उनके लिए, जैसे अभी डॉक्टर बिल्कुल उनको लिक्विड फॉर्म में खाने के लिए बोला है, क्या अभी उनको कड़ा बिल्कुल ना दे, रोटी भी नहीं खाने के लिए, तो वैसे तो चावल वो बिल्कुल नहीं खाते हैं, लेकिन अभी डॉक्टर बोला है तो क्या करें, बना रहे थे उनके लिए, अभी मैं दलिया दे रही हूँ, चावल दे रही हूँ, बिल्कुल गीला करके बना कर देना है, तो वही मैं अभी बना रही हूँ। और ये मतलब मॉर्निंग का टाइम है, उन्हें जैसे कि ये नारियल का पानी हुआ तो ये ला कर दे रहे, पेट ठंडा रहेगा, 4-5 दिन का दवा दिए हैं डॉक्टर, फिर बोले हैं कि जैसा होगा वैसा बताइएगा। और फिर फ्रूट्स वगैरह दे रहे, जैसे केला हुआ, पका केला है ना, वो सब भी खाने में फायदा करता है, और फ्रूट्स हो गया, एप्पल हो गया, तो वही सब मैं उन्हें देती हूँ। तो अभी मैं चावल धो रही हूँ और इसे कुकर में सीटी लगाकर बिल्कुल गला कर ये बोले देना, एकदम लिक्विड फॉर्म में कर देना ताकि उनको दिक्कत ना हो। और इसी तरह से अभी हम लोग उनकी सेवा कर रहे हैं, उन्हें मतलब उस टाइप की स्थिति में देख कर ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और जब वो बीमार है तो बार बार ध्यान वहीं चला जाता है, कुछ भी काम करो तो एक बार देखते रहते हैं, खाने का मन नहीं फिर भी बोल बोल के ज़बरदस्ती खिलाते हैं, क्योंकि वैसी स्थिति में वीकनेस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनका आवाज़ भी अच्छी तरह से नहीं निकल रहा था, तो मैं इसलिए, और सब लोग डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। तो बड़े हैं हमारे घर में, उनका मतलब होना बहुत ही मायने रखता है, घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है हम लोगों को। किसी को भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि अरे बड़े हैं मेरा मतलब कि काम बढ़ जाएगा इनसे, मेरा ये बढ़ जा रहा है, होता है ना कि यार अब तो हमको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इनका सेवा करना पड़ेगा, वैसा नहीं होना चाहिए। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें मतलब मिले हैं तो हम लोग कर रहे हैं, नहीं तो बहुत लोगों का आदत रहता है देखिए कि घर में है तो परेशान ये भी करते हैं। अभी जब मैं वीडियो डाल रही हूँ तो उस टाइम वो ठीक हो चुके हैं, और अभी भी फिर से वो ठीक हो गए तो फिर से उनका वही स्टार्ट हो गया है, मुझे जाना है और हर बात पे किच-किच करना, कितना भी उनको समझा लो, हम लोग कोशिश करते हैं उनको अच्छे से रखे, अच्छे से रखे, प्यार से जो भी हो उनको खिलाए पिलाए, किसी चीज़ का कमी नहीं होने देते उनको। इतना दवा चल रहा है, अभी उधर उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, और अभी देखिए मैं इधर चढ़ा के और उसके बाद फ्रूट्स कट कर रही हूँ, केला वगैरह खाना चाहिए, जब लूज मोशन होता है उसमें फ़ायदा करता है, तो केला है, सेब है, उनको छील कर दे, ये भी नहीं खाने खोजते ज़बरदस्ती, इसमें काला नमक डाल कर और उन्हें देते हैं खाने के लिए। तो देखिए मैं छीट कर और ले जा रही हूँ, उन्हें खिलाऊंगी, फिर ये पर डे भी डेली लाकर नारियल का पानी डाब जो होता है वो पिला रहे, उसे पेट में ठंडक रहेगा। उनको इस स्थिति में देखे थे ना, बहुत मतलब बहुत बुरा लग रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और देखिए ये मैं दलिया बना कर लाई हूँ, बिल्कुल लिक्विड वाला फॉर्म में दे रही हूँ ताकि वो पी जाए, बिल्कुल उठाकर चम्मच से तो दी, ऐसे तो खाते नहीं थे, लेकिन अब थोड़ा भूख लगने लगा, नहीं तो रोटी के अलावा थे, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता था, लेकिन देखिए भूख लगा है तो खा रहे हैं। तो वही मैं बोल रही थोड़ा सा और ला दूँ और खा लीजिए, तो बोल रहे नहीं इतना ही है, इतना ही मतलब खाऊँगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके दे रही हूँ, एक ही बार में नहीं दे रही हूँ, दिन भर में 2-3 बार, क्योंकि दवा भी लेनी होती है, और अभी तो दूध भी देना मतलब मना है उनको, दूध नहीं दे रहे हैं, देखिए तो वही मना करेंगे नहीं अब नहीं लेंगे। और अभी थोड़ा मतलब मन ठीक हुआ है तो वही उनको खिला रही हूँ। देखिए 30 के पारण वाले दिन का है, सुबह में मैं उठी थी, रात का फास्टिंग था, 12 बजे जब मैं सोई थी, उसके बाद सुबह उठकर और घर में पूजा की, ऊपर छत में मैं लगाई हूँ तुलसी,
माता वो मतलब जो भी ये केला वोला का पेड़ वहाँ पूजा करके फिर मंदिर जाती हूँ। मंदिर से आकर फिर अपना व्रत तोड़ी थी, तो ये उसी दिन का है। और उसी बीच में उनका ससुर जी का तबीयत भी ख़राब चल रहा था, उनका भी ख्याल रखना था, उनके लिए भी खाना वगैरह बना बना कर मैं दे रही थी उनको। दिन में 2-3 बार चाहिए होता है। और ये उसी दिन शाम का जो गणेश चतुर्थी थी, तो ये गर्म जलेबी है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और कहते हैं कि गर्म जलेबी खाना चाहिए, ऐसे में ठीक होता है। और वैसे तो कड़ा चीज़ें नहीं खाते, लेकिन जलेबी उनको पसंद आता है, तो मैं मंगवा कर दी थी। और देखिए वहीं नीचे में साइड में वो मतलब ना वो खड़े होकर और कर दिए थे, बाथरूम पॉटी पूरा कर दिए थे, तो मैं क्या करूँ। और बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं ना बुजुर्ग, बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा था, गंदा सा बदबू आ रहा था। लेकिन मैं अपना देखिए नाक ढक कर और पूरा पानी डालकर और पूरा उतना दूर धोई, और सुबह में जितने चादर चेंज की थी तो कपड़े वगैरह थे वो सारे में उनका फीची उनका कपड़ा उपड़ा सब में लगा हुआ था, चादर उधर सब में, तो सब मैं धोई साफ की। और ये है फिर उसी गणेश चतुर्थी की रात वाले, बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे घूमने के लिए, तो इसके पापा बोले इनके दवा भी लाना है, चलो इन लोगों को थोड़ा सा घुमा भी देंगे और दवा भी लेते आएंगे। तो वही हम लोग थोड़ी देर के लिए निकले थे, बच्चे कहीं घूमे भी नहीं थे, कुछ लिए भी नहीं। मेरी बेटी जिद भी कर रही थी पापा मुझे कुछ लेना है, लेकिन हम लोग लिए नहीं, मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन बोले चलो दवा लेने जा रहे हैं साथ में, लोगों को दिखा भी देंगे। तो इस तरह से निकले हम लोग और एक रन लगा कर घूमते हुए दवा लेकर और फिर घर वापिस आ गए थे। तो इस तरह से अभी हम का चल रहा है सिचुएशन, इस तरह से परेशान है। अब थोड़े थोड़े ससुर जी ठीक भी होने लगे हैं दोस्तों। तो वही मैं बोल रही हूँ कि कोई भी औरत हो, शायद ही कोई वैसी औरत होगी जो करने में तो देखिए थोड़ा सा सब लोगों को ये लगता है, लेकिन कोई नहीं चाहती है कि बुरा हो किसी का। तो और हम लोग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये रखते हैं मायने। तो दोस्तों मैं आज का वीडियो आप मतलब यही एंड करूँगी, आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स में बताइए कि मैं ऐसा कौन सा गलती करती हूँ, मैं कितना करने के बाद भी हमें इस घर से कभी भी मतलब ये नहीं होता, हमेशा बदनामी ही मिलता है। ससुर जी भी ठीक होने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा ही होने लगते हैं।